अक्सर हम और आप और बाकी भी तमाम बहुत सारे लोग हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद भी करते हैं, उन्हें तनकीद का भी निशाना बनाते हैं, लेकिन जब हुकूमत कहीं कोई अच्छा काम करने लगती है, कोई ऐसा काम जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो, जिसमें प्राइवेट सेक्टर चूँकि बड़ी एक इम्पोर्टेंस रखता है, उसका भी फ़ायदा हो, तो फिर शायद हमारे इदारों को भी थोड़ा सा एहतियात की ज़रूरत होती है कि मौशी मामलात भी अगर हम हमारे बैंक्स अदालत लेकर चले जाएँ तो अब माशी मामला तो हुकूमत के साथ मिल बैठ कर भी तय हो सकते हैं। इसका कोई वे आउट निकाला जा सकता था बजाय इसके कि अदालत जाते और अदालत को भी शायद इन दोनों को आपस में बिठाकर मामला तय करने की हिदायत दे देनी चाहिए थी। आपका क्या ख्याल है इस पर भी? एसएन साहब से भी इस पर मैं राय लूंगा, पहले जाहिर साहब आप बता दीजिएगा। जी जी, देखें, कोर्ट्स में होता ही है कि नॉर्मली जो गवर्नमेंट के खिलाफ केसेस आते हैं तो गवर्नमेंट उसको एड इंटरिम स्टे ऑर्डर यानी एक तरफा स्टे नहीं देती, और अदालत जो है वो दूसरी साइड यानी गवर्नमेंट को भी सुनती है, नोटिस देते हैं 10-15 दिन का, और जब उसमें फिर हुकूमत का वर्जन आता है तो उसके मुताबिक फिर वो कोई डिसीजन लेते हैं। तो इसमें अगर उन्होंने एक तरफा अगर स्टे दिया है हाई कोर्ट ने तो ये भी एक थोड़ा गवर्नमेंट के लिए मैं समझता हूँ कि सेटबैक है। आल दो के मुझे तवक्को है कि 3 दिसंबर को ये वैकेट हो जाएगा, लेकिन ये कि बहरहाल गवर्नमेंट के लिए ये सेटबैक है, और हमारी अदालतों को चाहिए कि अगर इस तरह की कोई चीज़ हो तो उसको एक तरफा स्टे देने की बजाय दूसरे फरीक को, खास तौर पे हुकूमत का जहाँ कोई मसला आता है तो उसको ज़रूर उन्हें, और जहाँ फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं सुनना चाहिए। इसी तरीके से अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले कहा था कि कोई 3,000 अरब रुपए के जो केसेस हैं इसके जो FBR के टैक्स रिलेटेड वो भी अदालतों में पेंडिंग है, और वो कह रहे थे कि ये 3,000 अरब रुपये आ जाए हमारे पास तो बड़ा अच्छा हो जाए, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो सारे केसेस भी गलत ही होते हैं नॉर्मली और कोर्ट्स में जाके वो सस्टेन नहीं करते, लेकिन ये एक हकीकत बहरहाल अपनी जगह मौजूद है कि सैकड़ों हज़ारों केसेज जो हैं वो कोर्ट्स में पेंडिंग है। आमतौर पर लिटिगेटर्स क्या करते हैं कि वो कोर्ट में केस फाइल करते हैं, उनको स्टे मिल जाता है और उसके बाद फिर उसको लिंगर ऑन करते रहते हैं, उस केस को चलने नहीं देते ताकि उसका कोई फौरी तौर पे फैसला ना हो सके। तो अदालतों में जो हज़ारों मुकदमात पेंडिंग है हमारे, तो वो इसी वजह से पेंडिंग होते हैं कि लिटिगेंट्स जो हैं वो इसमें डेट्स लेते रहते हैं। तो इसमें अदालती निज़ाम में मैं समझता हूँ कि हमारे चीफ जस्टिस साहबान को इसमें नोटिस लेना चाहिए, और फिर ये हमारी असम्बली को भी इस सिलसिले में कोई ऐसी कानून साजी ज़रूर करनी चाहिए कि जिसमें अदालतें जो हैं वो अपना जो उनका क्या कहना चाहिए जो लैंडस्केप है या अपनी जो ज्यूरिसडिक्शन है उसका ऐसा सही तयन होना चाहिए कि जिसमें मामलात इस तरह के होते हैं, मौशी मामलात, इक्तसादी मामलात, तो उसमें वो बगैर अदालत, देखें कोर्ट का इख्तियार तो हम नहीं छीन सकते, कोर्ट का इख्तियार अगर मिलेगा तो लोगों को रिलीफ मिलेगा, क्योंकि बहुत जगह पे एग्जीक्यूटिव जो है वो गलत फैसले भी करती है और फिर ज़बरदस्ती भी करती है, इसलिए इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो अदालतों के इस इख्तियार को कि वो जो एक तरफा स्टे देते हैं, मेरा ख्याल है इसको थोड़ा सा अगर फाइन ट्यून किया जाए तो बेहतर होगा, लेकिन ये कि बिल्कुल मादर पितर आजाद भी नहीं रखा जा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।